गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी व्याकरण क्लास 6 चैप्टर 3 संज्ञा के बारे में बताएंगे। पहले हम आपको यह बताएंगे कि संज्ञा क्या है। संसार में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, जिससे उसकी पहचान की जाती है। व्याकरण में इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। चैप्टर 3 संज्ञा। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इस चित्र में अमित तथा अनीता फूल तोड़ रहे हैं। बगीचे का माली उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा है। इस प्रकार चित्र का वर्णन करते समय निम्नलिखित शब्द हमारे सामने आते हैं। माली, अमित, अनीता, फूल, बगीचा आदि। इन शब्दों को देखकर यह आसानी से कहा जा सकता है कि अमित तथा अनीता बच्चों के नाम हैं। बगीचा स्थान का नाम तथा फूल वस्तु का नाम है। माली के चेहरे का क्रोध उसके मन के भाव को दर्शाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति स्थान वस्तु या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। आइए संज्ञा शब्दों के को कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा समझें। प्राणियों के नाम। पंडित जी स्वामी विवेकानंद, कल्पना चावला, हिरण। भावों के नाम। बुढ़ापा, मिठास, हरियाली, सुंदरता, बचपन, प्रसन्नता आदि। वस्तुओं के नाम। टब, पुस्तक, कुर्सी, कंप्यूटर। स्थानों के नाम। जंगल, विद्यालय, लाल किला, गांव। अभी तक हमने सीखा, पहला व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। दूसरा, भाववाचक संज्ञाओं को देखा नहीं जा सकता। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखा खींचिए। पहला, आम में मिठास है। आम मिठास। ख, फूल कितना सुंदर है, फूल। ग, बच्चा रो रहा है, बच्चा। घ, वह एक लड़का है, लड़का। अंगा, लड़का दौड़ रहा है, लड़का। सही विकल्प चुनिए। क, हम कल विद्यालय जाएंगे। वाक्य में संज्ञा है विद्यालय। विद्यालय पर टिक लगाइए। ख, किसी प्राणी वस्तु और भाव का नाम कहलाता है संज्ञा। संज्ञा पर टिक लगाइए। ग, बचपन कभी लौट कर नहीं आता। वाक्य में बचपन है भावों का नाम। इस पर टिक लगाइए। घ, शेर जंगल का राजा है। रेखांकित पद है संज्ञा। संज्ञा पर टिक लगाइए। नीचे दिए गए कॉलम आ के चित्र ध्यान से देखिए तथा कॉलम बा से उनका मिलान कीजिए। आ, ब, आ में एक व्यक्ति की छोड़ दी गई है, इसको हम प्राणी से मिलाते हैं। दूसरा, यहाँ एक वस्तु है टेबल, इसको हम वस्तु से मिला रहे हैं। तीसरा, स्थान है, तो स्थान को स्थान से मिलान करते हैं।
नीचे लिखे शब्दों में संज्ञा शब्दों को चुनकर उदाहरण के अनुसार गोला बनाइए। उदाहरण, राधा नदी आप, राधा और नदी संज्ञा है। काला गीदड़ बचपन हरिद्वार पढ़ाई, इसमें गीदड़ बचपन हरिद्वार और पढ़ाई संज्ञा शब्द है। आदमी डरपोक घबराहट महात्मा गांधी पाँच, इसमें आदमी घबराहट महात्मा गांधी, ये तीनों संज्ञा शब्द हैं। नीचे दी गई पोटली में कुछ संज्ञा शब्द मिल गए हैं, आप इनमें से प्राणियों वस्तुओं भावों तथा स्थानों के नाम नीचे दी गई छोटी पोटलियों में डालिए। प्राणियों, राहुल शेरनी। वस्तुओं के नाम, मेज खिलौना। भावों में, मिठास बुढ़ापा। स्थानों में, मुंबई आगरा। इस पोटली में कुछ संज्ञा के शब्दों के नाम दिए गए थे, इनको मैंने छांटकर अलग अलग पोटली में रख दिया है। इस चैप्टर के नोट्स की फ़ोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।